ग्रीटिंग्स टू यू ऑल वेलकम टू ऑरस अकेडमी ग्रेट टेंथ की प्रिपरेशन इंग्लिश की भी स्टार्ट हो चुकी है इसी रो में आज आगे बढ़ेंगे माई नेम इज डॉक्टर नेहा दुबे एंड टुडे फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी लिटरेचर की बुक है उसमें से हम चैप्टर कवर करेंगे एंड द नेम ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज लेटर टू गॉड विच इज बाय जी एल्फेंस लेटर टू गॉड टाइटल ही बहुत अच्छा है कि भाई किसी ने लेटर लिखा है किसको गॉड को अब क्या स्टोरी लाइन है आइए आगे बढ़ेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइटर के बारे में यस दिस इज एक्चुअली लेटर टू गॉड बाय फ्रेंड्स रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनकोश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग सबसे बड़ी बात कहते हैं ना अगर आपका विश्वास पक्का हो तो हर चीज आपके मुट्ठी में हो सकती है क्यों क्योंकि क्यों क्यों यही इस चैप्टर की बेसिक थीम है जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है कैसी बात है अब ये फेथ तो है लेकिन कैसा दिस इज न थी आर टॉकिंग अबाउट देखिए बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं किसी भी चैप्टर में तो अगर थीम की बात करते हैं एक तो यही है कि अनकोेशनेबल कोई क्वेश्चन ही नहीं कोई आपको डाउट ही नहीं कि यहां पर मुझे विश्वास नहीं है दिस इज एक्चुअली गो इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड इनवेवरिंग फेथ ऑफ फार्म इन गॉड अभी ये आपके लिए सबसे बड़ा वैल्यू पॉइंट है क्योंकि हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि चैप्टर में बात होती है वैल्यू पॉइंट्स की जो हम आंसर में वीव करते हैं तो दिस इज नथिंग एक कभी ना अडिग जिन कभी ना कहते हैं ना हट ही नहीं सकता ऐसा जो फेथ था किसका एक फार्मर का किस पे गॉड पे उस स्टोरी लाइन को यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है सेटिंग कहाँ है

थीम अब क्लियर है कि इस स्टोरी में लेंचो ने ऐसा क्या फेथ दिखाया कि शायद गॉड ने भी उसकी मदद कर दी आइए आगे बढ़ेंगे लाइंस पर जाएंगे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है द हाउस द हाउस ओनली वन इन एंटायर वैली अब यही ध्यान रख लीजिएगा वन लाइन और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एंटायर वैली यानी उस पूरी वैली में लैटिन सेटिंग है ऑलरेडी आपको बता चुकी है जो लैंचो का घर था वो अकेला था इट वाज दी ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल अब ये क्रेस्ट का मीनिंग क्या होता है क्रेस्ट का मीनिंग होता है टॉप ऑफ हिल मतलब जो हिल हिली एरिया था एस हिली एरिया था वहाँ के टॉप पर लेंचो का जो था वो घर था सो यस क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल

और ये जो मेरी जो खेती है क्रॉप्स है ये बिल्कुल बहुत अच्छे से फ्लारिश हो जाएंगी सो दिस नाउ हियर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन यहाँ द हाउस से लेकर ये जो लीस्ट ऑफ अ शार है यहां तक की लाइन्स जितनी है ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है आई होप नोट इट डाउन थ्रू आउट द मॉर्निंग अब क्या लंचो का क्या था

तो वो सारा क्या होगा उसके लिए एक फेथ लेकर आएगी कि कहीं उसकी जो क्रॉप्स है वो अब आगे जाके उसको बहुत अच्छा फायदा बेनिफिट देंगी। वुमेन नाउ यहाँ वुमेन कौन है लेंचो की वाइफ वाइफ ऑफ वो बात कर रहा है देखो कि रियली really, जैसे ही क्योंकि अब दिख रहा है मुझे एम जस्ट ऑब्जर्विंग द वेदर ऑल्सो कि बारिश तो होने वाली है और बहुत जल्दी हम हमें बारिश देखने को मिलेगी द हु प्रिपेयरिंग सपर सपर इज जो दुम थी जो वाइफ थी लंचों की वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी शी रिप्लाइड ये गॉड विलिंग क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट द दाइन शार ओल्डर बॉयज अब यहाँ जो लंचो के चिल्ड्रन है वॉट आर दे डूइंग दी ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड वाई द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस एंटिल द वमेन कॉल टू दैम ऑल कम फॉर डिनर बच्चे थे कुछ खेल रहे थे बड़े जो थे वो काम भी कर रहे थे तो इसी बीच क्या होता है उनकी मदर ने मतलब तो लंचो की वाइफ ने बिकॉज शी हैड ऑलरेडी प्रिपेर डिनर तो कॉल करती कम फॉर डिनर डिनर इज रेडी इट वॉज ड्यूरिंग द मील अब क्या हुआ सब बैठ गए भाई खाना खाने इकट्ठे फार्मर हैं बहुत यूनिटी के साथ रह रहे हैं बच्चों के साथ अच्छे से टाइम बिता रहे हैं बिकॉज द टास्क इज डन नाओ तो अब उन्हें लगा कि वेन देवर ऑल ड्यूरिंग द मील टाइम अब वो जब बैठे हुए थे तो क्या होता है दैट जस्ट एज लेंचो हैथ प्रडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन नाव दिज लाइन्स आर अब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या प्रोडिक्ट किया लंच ने जब वो बैठे थे सब देवर ऑल जस्ट देयर फूड उस समय बोलता दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू फॉल उसी समय क्या होता है कि अब उसको लगता है प्रोडिक्ट मतलब वो सोचता है कि आगे ऐसा होने ही वाला है कि अब ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स जो गिरेंगे वो क्या है दे आर सिंपली गोइंग टू बी कॉइन कैसे इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड

And sweet, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body up. Now, now I'm going. I had enjoyed my thing. Now I'm going, I'm going to enjoy this rain I should really feel also this rain. And when he returned, he exclaimed, "Most important lines hai. Again, I would like to draw your attention towards these lines here. Why? Because these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. Extracts based questions के लिए अगेन I'm repeating dear students. These are the most important lines of this chapter. ab वो कहता है ये जो drops started है ये raindrops जो गिर रहे हैं ये कुछ नहीं है ये नए सिक्के हैं new coins. अब इसने क्यों? They are new coins. आपको पता है? रेन ड्रॉप्स को उसने कंप्लीटली कंपेयर कर दिया न्यू कॉइन से तो यहां एक बहुत अच्छी तरीके से राइटर ने यूज किया है बेटा फॉर आई होप जो लिटरी डिवाइस है फिगर ऑफ स्पीच है आपको पता होगी जब कंप्लीट कंपैरिजन जब एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली उसकी तरह बना दिया जाता है उसको मेटाफर कहा जाता है सो दे आर न्यू कॉइंस दे आर नॉट लाइक न्यू कॉइंस दे आर न्यू कॉइंस तो ये बिग ड्रॉप्स जो है दे आर टेन सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव ठीक देखिए यूनिट है करेंसी है तो उसने कहा ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं भाई ये तो बट ज़्यादा पैसे है टेन सेंट है और जो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं ड्रॉपलेट्स आर ये फाइव क्या है फाइव सेंट्स हैं आई होप क्लियर तो ये उसकी एक होप है वाई बिकॉज ही नोज वेरी वेल कि ये जो ड्रेन अब जो आ रही है इससे मेरी हार्वेस्ट जो मेरी क्रॉप है वो बहुत अच्छे से मैं आई वुड बी एबल टू हार्वेस्ट माई क्रॉप एंड देन आई वुड मनी आउट ऑफ इट आगे बढ़ते विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील ऑफ राइट कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स अब ये याद रखिएगा वो जो भुट्टे होते हैं ना कॉर्न की जो थी वो खेती थी सो ड्राफ्ट इन अर्टन सी ड्राफ्ट इन अर्टन ऑफ रेन जो वो पूरा जो एरिया था ऐसा लग रहा था ना वट इज मीनिंग ऑफ हियर कवर्ड देखिए, वो कवर्ड था किसमें कार्टन ऑफ रेन मतलब बारिश होने लगी बट सडनली अस्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिलस्टोन्स अब हिलस्टोन्स क्या होते हैं ये देखिए जो ओले होते हैं ना अब रेन तो स्टार्ट हुई लेकिन वर्स्ट थिंग अब और बुरी स्थिति क्या होने लगी कि बहुत बड़े बड़े जो थे हेल बिगेन टू फॉल एंड ट्रूली डिड रिजल न्यू सिल्वर अब उसे लगा कि यह तो जो है सिल्वर के जैसे हैं द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स देखिए फिर से फ्रोजन पर्ल्स बहुत अच्छे से मेटाफर यहां फिर से यूज किया है राइटर ने अब जो बच्चे थे उनके लिए क्या था उनको तो एक एंटरटेनमेंट का साधन मिल गया मनोरंजन का साधन मिल गया तो यहाँ उन्हें लगा कि दे स्टार्टेड कलेक्टिंग दीज पर्ल्स उन्हें लगा ये तो मोती जैसे हैं सफ़ेद सफ़ेद तो उन वो इंजॉय करने लगे इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ लेकिन लेंचो जो था वो बहुत चिंता में था उसको तो एक तरीके से बहुत चिंता होने लगी इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन अब यहाँ द मैन हु इज द मैन हिया यहाँ रेफर किया गया है लंचो को सो आई होप इट पास क्विकली अब ऑन गॉड uh, तो वो वहां पर खड़े खड़े ही बहुत प्रार्थना करने लगा कि जल्दी से ये जो हिलस्टोन है ये पास हो जाए अदरवाइज ये बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन नहीं जो होना था वो तो होकर रहेगा सो फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड देखिए गार्डन एरिया भी उसका जो हिल साइड था वो भी और जो उसकी कॉर्न फील्ड थी पूरी एंटायर जो वैली थी पूरी जितने भी एरिया थे ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट देखिए बहुत अच्छे से एज वर्ड आया है कंपेरिजन फिर है कि वाइट तो थी किसके जैसे सॉल्ट के जैसे जैसे नमक होता है सफ़ेद वैसे जो वो पूरी फील्ड थी इंक्लूडिंग कॉर्न फील्ड वो पूरी वैली जो थी वो सॉल्ट नमक की तरह सफ़ेद हो जाती है तो क्या वो रियलिटी में तो यहाँ एज वर्ड से कंपेयर किया गया है तो बहुत क्लियरली है कि ये सिमिली यूज़ किया है राइटर ने कंपेरिजन है विद द वर्ड ऑफ लाइक और एज तो सिमिली यूज़ किया है आई होप क्लियर है नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड अब एक पत्ता तक नहीं बचा इतनी बुरी कंडीशन थी उस कॉर्न फील्ड की पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स पूरे एक भी फूल भी नहीं बचता देन लैं सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस Obviously, उसके लिए तो पूरी होप थी पूरी लाइफ वो साल जो था उसका पूरा उसी पर डिपेंडेंट था बट फील्ड एंड सेट टू हिस्स अब वो क्या करे बेचारा खड़ा हो गया मिडिल में फील्ड में और वो अपने बच्चों से बोलने लगता है वॉट प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड वुड लेफ्ट मोर देन दिस अब प्लेग ऑफ लोकस का मीनिंग क्या होता है देखिए लोकस जो है जो ड्रैगन फ्लाई जैसे होते हैं ना उडे वाले इंसेक्ट्स उनको बोलते हैं और प्लेग का मतलब क्या है जो एक प्रकोप होता है कहना चाहिए जो उनका उनके द्वारा की गई बर्बादी जो होती है उसको बोलते हैं तो अब वो ये कहता है लैं जो कंपेयर कर रहा है उस कंडीशन को जो बहुत सारी फ्लाइज आके जो हार्म करते हैं ना खेतों को उससे भी ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे भी ज्यादा कहते हैं ना वो कहता है अरे फ्लाइज आते वो तो कुछ तो छोड़ देते हैं लेकिन इस हेल स्टोन ने क्या किया कुछ भी नहीं छोड़ा आर हैज लेफ्ट नथिंग कुछ भी नहीं छूटा विल हैव नो कॉन्ड और ऑब्वियसली अब इतना इतनी बुरी कंडीशन है तो अब कुछ भी नहीं बचेगा अब उस रात वो उस दिन उस रात पूरे टाइम वो इतना दुखी रहता है दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन और वो उसकी लाइफ की एंटायर लाइफ की इट वॉज सिंपली द सैडेस्ट नाइट ऑल आर वर्क फॉर नथिंग अब यहाँ ऑल आर वर्क क्या है ऑल आर वर्क जितना भी मेरा एफर्ट था इंक्लूडिंग ऑल फैमिली मेम्बर्स की भी जो एफर्ट्स थे वो कहता है कि यहाँ तो सब वेस्ट हो गए देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस और अब कोई है भी नहीं क्योंकि अब इतना ज्यादा हम बर्बाद हो चुके कि कौन है जो हमारी मदद करेगा विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर और उसने सिंपली ये डिक्लेयर कर दिया सबसे इंक्लूडिंग वाइफ चिल्ड्रन उसने डिक्लेयर किया कि भाई इस साल तैयार रहो हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा बट स्टिल देखिए इतना कंप्लीट इतना ज्यादा कहना चाहिए बुरी कंडीशन में होने के बाद भी अब लेंचो ने क्या उसके मन में आता है बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिट्री हाउस अब ऑल मतलब सारे फैमिली मेंबर्स लंचो भी वाइफ भी और बच्चे भी इन द मिडल ऑफ द फैली देअर वॉज अल होप उनके मन में एक चीज थी बस एक आशा थी वन रे ऑफ होप वॉज देअर वॉट वॉज दैट की जो गॉड है डेफिनेटली वो हमारी मदद जरूर करेगा तो उनको ये था कहते ना एक आशा होती है कि ईश्वर तो है अब जब यह दिमाग में आया एक पॉजिटिविटी दिमाग में आई कि ईश्वर है यस डेफिनेटली विल गेट हेल्प फ्रॉम गॉड डोंट बी सो अपसेट इवन दो दीम्स लाइक अ टोटल लॉस लग रहा है टोटल लॉस है रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर कहते ना ही. जीवन दिया है तो रोटी भी मिलेगी तो कोई भी भूखा तो नहीं मरने वाला लेकिन ये होप किसने दिखाई लेंचो ने सो ही कंसोल्ड हिज फैमिली डोंट वरी विल गेट समथिंग एक आशा थी उसको अब क्या किया उसने ये रात तो चली गई नेक्स्ट दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर बस यही बोला उन्होंने ऑल थ्रू द नाइट अब देखिए पूरी रात उसके दिमाग में क्या चलता रहा लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप और कंटिन्यूस उसके दिमाग में था नहीं एक आशा है वन होप वन होप वन होप और वो आशा कौन है गॉड थ्रू आउट द नाइट ही वाज सिंपली दिस थॉट वाज कंटिन्यूसली लिंगरिंग इन हिज माइंड द हेल्प ऑफ गॉड ही वाज श्योर फॉर दिस देन हूज़ आईज़ एज़ ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग देखिए हूज़ आइज़ मतलब किसकी आंखें ईश्वर की आंखें गॉडस आइज़ कहता है वो तो हमेशा सब जगह बिकॉज गॉड इज ओमली प्रेजेंट सो दैट्स वाई ही इज देयर फॉर एवरी वन अब उसे लगा गॉड सबके लिए है सो इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस कंटिन्यूसली उसके कॉन्शियस माइंड में चलता रहा लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है मैन इसका मतलब क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज अज्स ऑफ अ मैन हार्ड वर्किंग मीनिंग ऑफ दिस हार्ड वर्किंग ऐसी बात नहीं थी कि वो सिंपल आशा और होप पर ही अपना पूरा जीवन निकाल दे नहीं वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब कंप्लीटली हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी था लैंो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड क्योंकि उसने

यहाँ तक जो एक्सट्रैक्ट है ये एक्सट्रैक्ट ये लाइन्स है ये इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए द फॉलोइंग संडे अब ये जैसे ही उसके दिमाग में आया भाई ईश्वर है ना नेक्स्ट फॉलोइंग संडे जो नेक्स्ट उसके जस्ट नेक्स्ट डे संडे था एट डे ब्रेक दिन निकलते ही ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल अब उसे लगा नहीं मैं खुद लिखूंगा मैं जाऊँगा ड्रॉप जो मेल बॉक्स है वहाँ ड्रॉप करूंगा जस्टिफिकेशन हो गया ना वॉट ही स्टार्टेड राइटिंग उसका टाइटल था अब उसने क्या लिखा वट ही स्टार्टेड राइटिंग गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस इयर आई नीड अ हंड्रेड पैसो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए कितने पैसे की उसने डिमांड की हंड्रेड पैसो ही सेट दैट आई वॉन्ट हंड्रेड पैसो पैसोज करेंसी है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन देखिए पैसे की डिमांड तो कर रहा है बट कैन यू टेल मी क्या लेंचो यहाँ आइडल पर्सनैलिटी है नो no. लेंचो यहाँ आइडियल पर्सनैलिटी है कैसे कि यहाँ वो बिल्कुल भी लेजी नहीं है बल्कि वो एक इंस्पिरेशन के तौर पर यहाँ काम कर रहा है कि नहीं मेरे एफर्ट्स वेस्ट हुए हैं तो मेरे एफर्ट को दोबारा लगाने के लिए मुझे इतना तो बस अमाउंट चाहिए कि मैं दोबारा खेती कर सकूं सो जस्ट टू सो हिज फील्ड अगेन ही आज दिस पर्टिकुलर मनी उससे ज्यादा उसको उसने डिमांड नहीं की एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉम ऐसे करके उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया भाई मुझे गॉड हंड्रेड परसेंट उसकी जरूरत है कि ताकि मैं फिर से खेती कर पाऊं और अपना अपना जीवन अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा पाऊं लाइकवाइज ही हैज रिटन सिंपल अब ये तो उसने लिख दिया हीरोट और सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा उसने सबसे ऊपर उसने लिख दिया टू गॉड क्या लिखा टू गॉड हीरो गॉड ऑन दी एन वलॉप बट

वहां उसने स्टैंप लगाया और उस स्टैंप के साथ उसने वो लेटर वहां पर ड्रॉप कर दिया तो so, एक्सट्रैक्ट the आगे बढ़ते हैं आई होप इतना समझ में आया होगा अब सबसे पहले ये पूछा जा सकता है दिस कैन बी सबसे पहले वो लेटर किसको मिला वन ऑफ द दू वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड सब जैसे ही ड्रॉप मेल बॉक्स से लेटर्स निकाले गए सबको फिल्टर किया जाता है तो सेगमेंट के साथ तो जैसे ही उस पोस्टमैन को एक पोस्टमैन था उसको लेटर मिलता है अब वो पढ़ता है उस पर लिखा रहता है क्या टू गॉड और जैसे ही वो पढ़ता है इसमें तो टू गॉड लिखा है वो जोर जोर से हंसने लगता है और ऐसे ही क्या करता है वो उस लेटर को सबको दिखाने लगता है नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन द दस दोस्ट मास्टर अब क्या होता है पोस्टमैन तो उस लेटर का मजाक बना देता है सबको दिखाता है हंसता है अब ये सब कौन देखता है वहां का जो पोस्ट मास्टर था नाउ आर नेक्स्ट लीडिंग कैरेक्टर हियर वी आर गेटिंग द इंट्रोडक्शन द पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर जो कि कैसा था ही वॉज अ फैट एमिएबल एमिएबल का मतलब होता है बहुत फ्रेंडली मिलनसार जिसको बोलते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ सकता है सो द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग उसको भी जब वो देखता है पोस्ट मास्टर तो वो भी हंसने लगता है जोर जोर से भाई क्या कौन पागल है जो ये गॉड को कोई लेटर लिखता है क्या बट स्टिल

किसके लेंचो के विश्वास को सो आफ्टर दिस वॉटर हैपेंड सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ अब यहां राइटर्स फेथ कौन है राइटर्स मतलब लेंचो उसे लगा कि अगर इसने लेटर लिखा है तो इसका विश्वास जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए मतलब इट शुड नॉट बी ब्रोकन सो इट्स बेटर फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया उसको एक आइडिया आता है एंसर द लेटर नहीं एंसर तो लिखेंगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपका ध्यान आई जस्ट वु लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अभी पोस्ट मास्टर ने वो लेटर ओपन नहीं किया है उसने वो पढ़ा नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है लेकिन उसने भी ये विश्वास जता दिया कि नहीं जो कुछ भी इसमें लिखा है इस लेटर का आंसर तो मैं दूंगा बट वेन ही ओपन इट इट वॉज एविडेंट दैट अब उसे लगा जैसे ही खोला उसने लेटर स्टार्ट किया पढ़ना दैट टू एंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल और उसे लगा यहाँ तो भाई गुडविल से ज़्यादा चीज़ें यहाँ मांगी गई हैं तो लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ से लेके गुडविल तक ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है अब उसे लगा ये केवल गुडविल की बात नहीं है इंक और पेपर की बात नहीं है बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन लेकिन फिर भी कहता हैं नहीं अगर मैंने प्रॉमिस किया है मैंने प्राण लिया है नाउ आई एम गोइंग टू फुलफिल दिस सो वट ही डेड ही आस्ट फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अब उसे पता चल गया कि भाई इसने तो हंड्रेड पैसोज मंगवाए हैं ये इसकी बुरी कंडीशन के कारण तो अब वो क्या करता है नहीं अब वो करता है चैरिटी स्टार्ट करता है वो सबसे पैसे मनी जो है वो कलेक्ट करने लगता है ही हिमसेल्फ गे पार्ट ऑफ हिस सैलरी और बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सैलरी का भी इंक्लूड करता है एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिस वर्क ऑबलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी देखिए उसने क्या कर दिया कि भाई एक मदद है चैरिटी है अच्छा है इस अगर फार्मर की हो जाए तो तो सब हेल्प भी करते हैं बट स्टिल हंड्रेड पैस जो था एक बहुत बड़ा अमाउंट था क्या होता है आगे अब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हेम टू गैदर टूगैदर द हंड्रेड पैसोज कैसे क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था हंड्रेड पैसोज सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ देखिए लिटल मोर देन हाफ हंड्रेड पैसे पैसोज वो इकट्ठा नहीं कर पाया हाफ से थोड़ा ज्यादा तो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो सेवेंटी सेवेंटी पैसोज उसने क्या किए कलेक्ट कर लिए ही पुट द मनी इन एन एंड एड्रेस टू लेंचो एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड और उसने कुछ नहीं किया कि भाई व्यक्ति का विश्वास है उस उसके विश्वास को भी चोट ना पहुंचे सो इट्स बेटर उसने लेटर में वो पैसे रख दिए और वहां क्या सिग्नेचर कर दिया दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाट ही हैज ही साइंड एज गॉड भाई गॉड की जैसा क्यों साइन कर दिया वो लिख भी तो सकता था द पोस्टमास्टर नो

usual to ask if here was a letter for him it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office yaha ye baat bhot important who had handed over the postman Manjo tha usse usne kya usko wo letter so he handed over the letter to lancho और यहां जो था पोस्ट मास्टर दूर से खड़ा हुआ वो देखता जा रहा था एंड ही वेरी हैप्पी ही रियली वेरी सेटिस्फाइड नाउ कंटेंट का मीनिंग क्या होता है मीन्स ही सिंपली सेटिस्फाइड कि उसने क्या किया ही परफॉर्म अ गुड डीड डीड का मतलब क्या होता है वर्क वो बहुत खुश होता है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया ही वॉज लुकिंग देन शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सींग मनी अब देखिए ये भी एक और विश्वास कहते हैं ना एक्सट्रीम क्या हुआ लेंचो को जैसे ही उसने लेटर दिया उसने ओपन करा उसको पता था इसमें पैसे ही होंगे तो ही काउंटेड दैट मनी और उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ नाउ दिस इज अ क्वेश्चन वाई लंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू गेट दैट एंसर रिप्लाई क्यों क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस क्योंकि उसका फेथ इतना स्ट्रांग था उसे पता था कि मुझे रिप्लाई जरूर मिलेगा सो सच वॉज इज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड देखिए यहाँ तक ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है लेंचो शोड से लेकर नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंच वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड अब एक बात होती है लेंचो मनी काउंट करता है और उसे लगता है कि भाई लेंचो को लगता है कि जो गॉड है वो मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते हंड्रेड पैसे की डिमांड की गई थी तो जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है तो वो क्या सोचता है थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है वो और उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है अब तो तुरंत क्या करता है इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक फिर से वो जाता है और पेपर और इंक मांगता है कहता है मैं फिर से लेटर लिखूंगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ये जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है सामने आपने देखा होगा जस्ट टू राइट कंफर्टेबली सो ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिस्सो देखिए रिंकलिंग ऑफ हिस्सो कुछ एंगर में गुस्से में वो लिखता जा रहा था कुछ गुस्से में ऐसा एक्सप्रेशन उसके थे कि कही वो गुस्सा तो है Caused by the effort he had to make to express his ideas. So, up to here, these lines are important. So, when he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist. What is this? It is very important. Lick kiya, stamp, pe rakha, thumb, kiya, fist, and letter par usne wo stamp. द मोमेंट अब ये सब कौन देख रहा है कि भाई लेंचो गया पेपर इंक मांगा लेटर भी लिखा और वो जाके फिर से ये लेटर ड्रॉप करने वाला है तो ये पोस्ट मास्टर जो है वो सब देख रहा था सो द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट अब वो खुद गया उसे लगा जरूर इसने थैंक यू तो लिखा होगा इतने सारे इसको पैसे और इतनी मदद तो मिल गई है Now, क्या लिखा हुआ था नाउ दीज लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट दी एंडिंग लाइंस आर इम्पॉर्टेंट गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्ड फॉर ओनली सेवेंटी पैसोज देखिए क्लियर हो गया कितने पैसे कलेक्ट हुए थे सेवेंटी पैसोज रीज़्ड मी नाउ सेंड मी रेस्ट जितने थर्टी पैसोज रह गए हैं अब गॉड मुझे वो और भेज दीजिए सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है बट देखिए लास्ट लाइंस थोड़ी हर्टिंग भी है बट स्टिल एक इनोसेंस को यहां पर रिफ्लेक्ट किया गया है बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज़ द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉय देखिए अब पोस्ट ऑफिस में जितने भी इंप्लॉयज हैं जितने भी वर्कर्स हैं वो क्या बोलता है उनको वो कहता है दीज आर ऑल वॉट बंच ऑफ क्रुक्स अब बंच ऑफ क्रुक्स मतलब भाई कुछ तो घपला करते हैं ये लोग सही नहीं है क्योंकि आपने तो हंड्रेड पैसोज भेजे होंगे लेकिन जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सेवेंटी पैसोज केवल मुझे दिए हैं थर्टी पैसे इन्होंने क्या किया है इन्होंने खुद ही रख ली तो वो क्या करता है एक तरीके से ब्लेम करता है एम्प्लॉयज पर और कहता है अब आगे जब आप मुझे पैसे भेजना तो डायरेक्ट मेरे घर पर ही भेजना या पोस्ट ऑफिस में लेटर मत भेजिएगा सो लेंचो और वो साइन कर देता है लेंचो ओवरऑल क्या हुआ फेथ तो था इनडायरेक्ट मदद थी पोस्टमास्टर की और इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है दैट्स वाई द टाइटल इज रियलीप्रिएट लेटर टू गॉड तो क्या हमने कवर किया ओवरऑल जो वैल्यू पॉइंट्स है यहां हमने जो कवर किए चैप्टर में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ, हुआ होगा डेफिनेटली land crops are damaged by hailstone then he writes a letter to god asking for financial help Likta hai buri condition mein, but still he had that faith लेंचो सेंस द लेटर थ्रू द पोस्ट ऑफिस और वहाँ जो पोस्ट मास्टर होता है इज़ टच्ड बाई लेंचोज फेस मीन सिंपली ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज फेस एंड देन पोस्ट मास्टर एंड ऑल कलीग दे कलेक्ट मनी फॉर लेंचो दॉट के अरे हेल्प तो करनी चाहिए और लास्ट लेंचो इज डिसड थिंकिंग गॉड वुड सेंड मोर बिकॉज वो सोचता है कि यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने वो थर्टी पैसोज जो हैं वो रख लिए हैं आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी कुछ क्वेश्चन है उनको और डिस्कस करेंगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि हु लेंचो कौन था आप लिख सकते हैं फार्मर वॉट वर हिज मेन प्रॉब्लम और क्या उसने जो थी मेन प्रॉब्लम उस समय जो वो बारिश का इंतजार कर रहा था और हेल स्टोन हो जाती है वो आपको यहां पर मैंशन करना होगा ये वैल्यू पॉइंट होंगे वॉट डिड लेंच यू कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड वाई देखिए इफ रिमेंबर बिग ड्रॉप्स हैं वो कहता है टेन सेंट्स हैं और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो फाइव सेंट्स के होंगे और क्यों करता है क्योंकि उसके फॉर्म में वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखता है नेक्स्ट वाई डिड लेंच यू राइट अ लेटर टू गॉथ क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ गॉड हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं ही हैड दैट फेथ फेथ को जरूर मैंशन करना है वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंच यू पोस्ट मास्टर क्यों हेल्प करता है सबसे पहले ही वॉज सिंपली टचड और इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो और इसीलिए वो कलेक्ट करता है मनी और वो कोशिश करता है कि मैं लेंचो की मदद कर पाऊं। हाउ मच मनी डिड ही डि लेंचो डीड हंड्रेड यू नो हाउ मच डिड ही गेट और सेवेंटी उसको मिलते हैं मतलब हंड्रेड की वो डिमांड करता है और सेवेंटी उसको मिलते हैं वाई डिड लेंचो नॉट वॉन्ट द मनी टू बी सेंड थ्रू द मेल क्योंकि उसे क्या कहता है कहता है कि ये जितने भी इंप्लाइज हैं दे आर ऑल बंच ऑफ ग्रुक्स कैरेक्टर स्केच एज आई टोल्ड यू लेंचो का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वॉज ही वॉज सिंपली कहते हैं ना कि जो फेथ उसका था दैट अनवेवरिंग फेथ वो उसकी सबसे बिगेस्ट क्वालिटी थी हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी हमारे ऊपर है बिकॉज फैट एमिएबल फेलो ये तो क्लियरली उसमें मैंशन ही था सो यस कैरेक्टर स्केच पोस्ट मास्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो रीजन यहाँ देना होगा हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड क्या इम्पैक्ट होता है क्या पूरी या थोड़ी खराब होती है वी ऑलरेडी नो दिस वॉट वॉज लेंचोज ओनली होप गॉड ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बिकॉज एवरी चैप्टर आपके पास जो स्टोरी और जो मैसेजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमें वैल्यूज देती है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट एग्जिट देन दिस इज वॉट वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड इन विच फॉर्म फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर एंड हेल्पफुलनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस इंप्लॉयज आर एप्टली डिपिक्टेड दिस थाट कौन सा थाट कि अभी भी ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत जो है वो जिंदा है सो दिस इज़ हमारे जो इंटरप्रटेशन है एज हमें इस स्टोरी का कंटेक्स बिल्कुल ध्यान रखना है उसके साथ इस आंसर को वीव करना है सो यू नीड टू राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यूज़ इन इट अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स ये आपका आ सकता है और यह भी बोला जाता जा सकता है कि भी गिव द स्वेबल टाइटल क्योंकि आपकी स्टोरी होगी तो आपको खुद भी आप उसका टाइटल दे सकते हैं सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा एंड इवन कीप फेथ ऑल्सो अव और कनेक्टेड रहिए आगे इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर भी होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे और जितनी डिवाइसेस हैं उनको भी यहां डिस्कस किया जाएगा सो कीप कनेक्टेड थैंक यू फॉर टुडे